यूपी का वो बाहुबली जो मौत के बाद भी जिंदा हो गया। 15 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते जौनपुर का डॉन बन गया। कहानी माफिया से नेता बने उस शख्स की जिसे जौनपुर के लोग कहते हैं रॉबिनहुड। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य जिसे माफियाओं का प्रदेश भी कहा जाता है। यूं तो भारत के इतिहास में कई माफिया रहे हैं, लेकिन आज कहानी उस कुख्यात अपराधी की जिसने जरायम की दुनिया से राजनीति में प्रवेश किया और जौनपुर का रॉबिनहुड बन बैठा। नाम है धनंजय सिंह। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धनंजय सिंह को वहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। धनंजय सिंह यूपी के माफियाओं की हिटलिस्ट में टॉप पर है, लेकिन माफिया से नेता बने धनंजय सिंह की कहानी पूरी फिल्मी है। इस कहानी को जानने के लिए हमें धनंजय सिंह के अतीत में झांकना होगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको अतीत के उस दौर में जहां से जुर्म की दुनिया में धनंजय सिंह का उदय हुआ था। बात उस दौर की है जब धनंजय सिंह 10वीं कक्षा में पढ़ा करता था। लेकिन एक दिन धनंजय सिंह के क्लास के टीचर की हत्या हो जाती है। आरोपियों में जो सबसे पहला नाम आया था वो था धनंजय सिंह का। फिर जब धनंजय सिंह 12वीं में पहुंचा तो एक युवक की हत्या हो गई और एक बार फिर नाम आया धनंजय सिंह का, जिसके बाद पुलिस ने धनंजय सिंह को हिरासत में ले लिया। धनंजय सिंह ने उस दौरान अपनी 12वीं के पेपर जेल से ही दिए, लेकिन सबूतों के अभाव में धनंजय सिंह जेल से रिहा हो गया। लेकिन तब तक पूरे जौनपुर में एक नाम का खौफ फैल चुका था और वो नाम था धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह जौनपुर के टीडी कॉलेज से होते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां मंडल कमीशन का विरोध कर अपनी सियासत को धार दी। अभय सिंह जैसे बाहुबली दोस्त बने और फिर रेलवे के ठेकेदारी के खेल में घुस गए। इनके गुट का रेलवे के ठेकों में दखल था। ये ठेके लेते नहीं थे बल्कि ठेके मैनेज किया करते थे। जिसको ठेका मिलता उससे गुंडा टैक्स वसूलते थे। उस वक्त रेलवे ठेकेदारी में पूर्वांचल के माफिया अजीत सिंह का बड़ा नाम था। वो नहीं चाहता था कि कोई और रेलवे की ठेकेदारी ले, लेकिन धनंजय सिंह और अभय सिंह की दोस्ती ने अजीत सिंह को भी पीछे धकेल दिया। पूर्वांचल में माफिया और रेलवे ठेकेदारी का कारोबार पैसे का जरिया तो था ही, साथ ही इसे रुतबे की निशानी भी माना जाता था। धीरे धीरे धनंजय सिंह ने अभय सिंह के साथ मिलकर रेलवे ठेकेदारी से पैसा कमाना शुरू कर दिया। 1997 तक धनंजय सिंह का गुट बेहद मजबूत बन गया था। लेकिन इसी दौरान लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या में धनंजय सिंह का नाम जुड़ने लगा, जिसके बाद धनंजय सिंह फरार हो गया। पुलिस ने धनंजय सिंह पर 50,000 का इनाम भी रखा। धनंजय के फरार होने के बाद अभय सिंह सारे काम को मैनेज कर रहा था, लेकिन पैसों को लेकर अभय और धनंजय सिंह में अनबन हो गई और कॉलेज की दोस्ती कट्टर दुश्मनी में बदल गई। फिर साल 1998 की एक घटना ने धनंजय सिंह को रातों रात माफियाओं की दुनिया में मशहूर कर दिया। इंजीनियर गोपाल शरण की हत्या के आरोप के बाद धनंजय सिंह पुलिस से बचते फिर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि धनंजय सिंह एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला है। पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच गई। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी और पुलिस ने दावा किया कि इस एनकाउंटर में मारे गए चार लोगों में से एक माफिया डॉन धनंजय सिंह है। लेकिन 4 महीने बाद धनंजय सिंह दुनिया के सामने आया, जिसे देख सब हैरान परेशान हो उठे। फर्जी एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद धनंजय सिंह का नाम यूपी के साथ साथ पूरे देश में छा गया। 2002 में पहली बार धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने का मन बनाया। जौनपुर से निर्दलीय पर्चा भरा और चुनाव जीत भी गया। अब जौनपुर का सबसे बड़ा दबंग सियासी सफर पर था। 2007 में एक बार फिर जौनपुर से ही धनंजय सिंह ने फिर से चुनाव जीता। इस बार वो निषाद पार्टी से विधायक बना। लेकिन अब माफिया डॉन से विधायक बने धनंजय सिंह की नजर दिल्ली की संसद पर थी। धनंजय ने इसी दौरान बीएसपी का दामन थाम लिया और 2009 लोकसभा चुनाव के लिए जौनपुर से पर्चा भरा। धनंजय सिंह ने यहाँ भी जीत का परचम ही लहराया और अब वो सांसद बन चुके थे। 2011 में मायावती से खटपट के बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद साल 2014 और साल 2017 में धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ा, लेकिन फिर उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। धनंजय सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे। पहली पत्नी का नाम मीनू सिंह था, जिनकी मौत शादी के महज 9 महीने बाद ही हो गई। जिसके बाद साल 2009 में धनंजय सिंह ने जागृति से शादी की, लेकिन ये शादी भी जल्द ही टूट गई। और फिर साल 2017 में एक बार फिर धनंजय सिंह ने शादी की हैदराबाद की हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाली श्रीकला रेड्डी से। श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी है। हालांकि धनंजय सिंह को ठाकुरों का बड़ा नेता माना जाता है और जौनपुर के लोग उन्हें रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। लेकिन आज भी जब उत्तर प्रदेश में कभी भी हाई प्रोफाइल हत्या होती है तो एक बार लोग धनंजय सिंह का नाम जरूर लेते हैं। हालांकि धनंजय सिंह का कभी इन हत्याओं में नाम खुलकर सामने नहीं आया। इतना ही नहीं, कई टीवी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में धनंजय सिंह को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सवाल किए गए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि यूपी की योगी पुलिस के हिट लिस्ट में धनंजय सिंह का नाम टॉप पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज़।